हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही वायरल हो रखी इंटरनेट पे डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को फुल प्रोसेस शेयर करते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे वीडियो को शेयर करते हैं कैसे इसे हमने बनाया है, तैयार किया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कैसे इसे तैयार करना है। डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 2 चम्मच नेस्कैफे, और मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच लिया है, और इसी चम्मच से हम लेंगे 3 चम्मच भर के शुगर। शुगर हमने 3 चम्मच लिया है, 1 चम्मच ज़्यादा लिया है क्योंकि कॉफ़ी का जो फ्लेवर है थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसे बैलेंस करने के लिए हमने 3 चम्मच लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रांग इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप 3 चम्मच के बजाय 2 चम्मच ले सकते हैं। अब एक बाउल लेते हैं, उसमें नेस्कैफे को शिफ्ट करेंगे, डालेंगे इसमें 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कॉफ़ी है, 3 चम्मच चीनी है, और नॉर्मल पानी हम ले रहे हैं, हमने कोई हॉट वाटर का यूज़ नहीं किया है। तो 2 चम्मच से 3 चम्मच हम पानी इसमें डालेंगे, 3 चम्मच पानी ले रहे हैं हम। अब इसे हमें अच्छा मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए हमने ऐसा बीटर लिया है, देख लीजिए ऐसा बीटर होना चाहिए, चम्मच से ये आसानी से नहीं बीट होगा। तो हमने ऐसा बीटर ले करके इसे बहुत देर तक बीट करना है, कम से कम 10 मिनट तक इसे बीट करना है। तो देखिए मैं कैसे इसे बीट कर रही हूँ, और कंटिन्यूस इसे आपको बीट करना है, तभी आपको फ्रॉदी जो इसका टेक्सचर आएगा। तो इसे हम मिक्स कर देते हैं। बटर और चीनी को पानी के साथ बीट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी हो चुका है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है, इसे 5 मिनट और बीट करेंगे। और 5 मिनट बीट करने के बाद देख सकते हैं आप, ये काफ़ी फ्लफी हो चुका है, काफ़ी सॉलिड हो चुका है, और ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए। तो ये तैयार है, और ध्यान रखिएगा आपके पास ऐसा बीटर होना चाहिए, तभी आप इसे ऐसा तैयार कर सकते हैं। चम्मच से काफ़ी समय लगता है। तो अब ये हो चुका है, इसे अब हम रखते हैं साइड में। ये कॉफ़ी तैयार करते हैं, उसके लिए हमने ग्लास लिया है। हम 2 तरह की कॉफ़ी बनाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए हम 3 से 4 आइस कप्स ग्लास में डालते हैं, और लेंगे हम दूध। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में रखा हुआ है। इसमें मैंने पहले से चीनी डाला हुआ है, हल्का चीनी डाला हुआ है, और ये ठंडा दूध है। इसे डालते हैं ग्लास में, और दूध हमें डालना है 3/4, पूरा नहीं भरना है। देखिए 3/4 दूध लिया है हमने, इसमें डालेंगे हम ये फ्रॉथ किया हुआ कॉफ़ी, और ये अच्छी तरह से डालते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। इसे डालते हैं घुमाकर, अब इस पे थोड़ा सा हम चोको पाउडर स्प्रिंकल कर दिया हमने। अब ग्रेट करेंगे इसके ऊपर चॉकलेट, चॉकलेट ग्रेट करते हैं ताकि ये प्रेजेंटिंग लगे थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा चॉकलेट ग्रेट कर दिया हमने,
तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारा कोल्ड कॉफ़ी, डालगोना कॉफ़ी। बहुत ही आसान है बनाना, देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग हमारा कोल्ड डालगोना कॉफ़ी तैयार है। इसे रखते हैं आप साइड में, अब आपको दिखाएंगे हम हॉट कॉफ़ी कैसे तैयार करते हैं। तो एक गिलास लिया हमने फिर से, इसमें डालेंगे हम गरम दूध, 3/4 दूध लेना है। इसमें भी हमने चीनी पहले से डाला हुआ है, हल्का चीनी डाला हुआ है। और डाल देंगे इसमें फ्रॉथ किया हुआ कॉफी, एक ही ट्रे में हमने ले लिया है दोनों को। और ये देखिए ये भी तैयार है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों टेस्ट में बनाकर आपको शेयर किया है, हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम चोको पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। देखिए स्प्रिंकल करते ही कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। अब ग्रेट करेंगे इसके ऊपर भी हम चॉकलेट्स। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा डालगोना कॉफ़ी तैयार है। देखिए मैंने इसे प्रेजेंट किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, तो आप भी इसे बनाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही टेम्पटिंग दिखने वाला ये डालगोना कॉफ़ी पिए कैसे, तो इसे पीने से पहले स्पून से मिक्स कर लें, वैसा ही स्वाद आएगा, बहुत ही मज़ेदार स्वाद आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डालगोना कॉफ़ी बनाने का, तो आप भी इसे बनाइए और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही नई नई यूज़फुल रेसिपी आपके लिए लाती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।